दोस्तों, हम अपने घर को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम अपने घर पर लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, जिससे कि आकाशीय बिजली घर पर न गिरकर लाइटिंग अरेस्टर पर गिरती है, जिससे कि आकाशीय बिजली लाइटिंग अरेस्टर से होते हुए वायर के थ्रू होते हुए अर्थिंग से ग्राउंड हो जाती है और हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होता है। और जिन घरों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है, सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, उन घरों पर लाइटिंग अरेस्टर लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जिन घरों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है उन घरों पर आकाशीय बिजली गिरने का अधिकतर चांस होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइटिंग अरेस्टर कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर के साथ में हम जो अर्थिंग करते हैं वो अर्थिंग कैसे करते हैं, और लाइटिंग अरेस्टर से अर्थिंग तक हम जो वायर लगाते हैं वो कितने एमएम का हमें वायर लगाना चाहिए, या फिर हम वायर की जगह जीआई स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है लाइटिंग अरेस्टर जो कि कॉपर का है, कॉपर की रोड है, और इसमें कॉपर की रोड को बेस प्लेट पर डायरेक्ट वेल्डिंग किया हुआ है, और ऊपर साइड की नॉब में यह होल्डर लगा हुआ पहले से आया हुआ है ऑलरेडी, और होल्डर पर यह पाँचों तीलियाँ लगी हुई है, पाँचों कॉपर के छोटी छोटी रोड लगी हुई है। और यह है अर्थिंग की रोड जो कि अर्थिंग की रोड 3 फीट की है, और इसमें हम यहाँ पर 2 अर्थिंग करने वाले हैं, जो कि एक अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर के लिए रहेगा और दूसरा अर्थिंग होगा जो कि सोलर पैनल का अर्थिंग रहेगा। और इसमें अर्थिंग रोड के ऊपर पत्तीनुमा एक प्लेट लगी हुई है जिसमें कि 2 होल है, जिसमें कि हम अर्थिंग वायर या अर्थिंग स्ट्रिप कनेक्ट कर सकते हैं नट बोल्ट से। और यह लाइटिंग अरेस्टर है जो कि 3 फीट का है, और इसमें हमें लाइटिंग अरेस्टर को मकान की टॉप हाइट पर ही लगाना होता है, और यदि सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें हमें सोलर सिस्टम से ऊपर ही लगाना होता है लाइटिंग अरेस्टर को। तो इसमें हमें लाइटिंग अरेस्टर को थोड़ा ऊंचाई पर लगाना है, तो इसमें हम लाइटिंग अरेस्टर को 3 फीट के जीआई के पाइप पर कनेक्ट कर लेते हैं, वेल्ड कर लेते हैं। तो इसमें हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं वेल्डिंग, जो कि 3 फीट का जीआई का पाइप है, और उसके आगे है 3 फीट का कॉपर का लाइटिंग अरेस्टर। तो इस तरह से हमारे लाइटिंग अरेस्टर की हाइट हो जाएगी 6 फीट की, जिसमें कि यह लाइटिंग अरेस्टर सोलर पैनल से 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर रहेगा। तो इस तरह से यदि आपके भी लाइटिंग अरेस्टर छोटा पड़ रहा है तो इस तरह से आप जुगाड़ करके बड़ा बना सकते हैं, या फिर लंबा लाइटिंग अरेस्टर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे लाइटिंग अरेस्टर को दीवार पर फिटिंग कर लेते हैं। तो इसमें फिटिंग करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हम लाइटिंग अरेस्टर की बेस प्लेट को दीवार पर फिटिंग कर रहे हैं तो उसमें फास्टनर दीवार से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें फास्टनर में प्लास्टिक की गिट्टी लगानी होगी, जिससे कि यह दीवार के बिल्कुल भी टच में नहीं रहेंगे, और नट लगाएंगे वहाँ पर हमें प्लास्टिक के या फिर रबर के वाइसर लगाने हैं। तो इसमें हमें लाइटिंग अरेस्टर को यहाँ पर दीवार पर लगाना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से रख लेते हैं, और उसके बाद हम पहले ड्रिल से चारों होल में निशान कर लेते हैं, जो कि बेस प्लेट पर चारों होल है। तो इस तरह से हम निशान करने के बाद इस तरह से लाइटिंग अरेस्टर को हटा लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम होल कर लेते हैं, और इनमें हम यहाँ पर लगाने वाले हैं 8 mm की साइज़ के फास्टनर, जो कि गिट्टी वाले फास्टनर है। तो 8 mm के गिट्टी वाले फास्टनर लगाने के लिए हम इसमें होल करने वाले हैं 12 mm के ड्रिल बिट से। 8 mm का गिट्टी फास्टनर लगाने के लिए हमें 12 mm के ड्रिल बिट से ही होल करना है, और इसमें जितनी लंबी गिट्टी है उतना ही हमें होल करना है, ज़्यादा लंबा होल नहीं करना है। तो इस तरह से हम होल करने के बाद इसमें गिट्टी को लगाते हैं, जो कि ये प्लास्टिक वाली गिट्टी है, और उसे हम ठोक लेते हैं हथौड़ी से, और इसमें फास्टनर लगाते हैं, और फास्टनर लगाने के बाद उसमें फास्टनर के ऊपर नट लगा लेते हैं, जिससे कि फास्टनर की थ्रेड ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से हम इसमें ठोक लेते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद हम इसमें नट को वापस खोल लेते हैं, और इसमें जो यह प्लास्टिक वाला वाइशर है इस वाइशर को हम इस पर लगा लेते हैं, जिससे कि फास्टनर दीवार के बिल्कुल भी टच में नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैंने चारों होल करके चारों फास्टनर लगा दिए हैं, और इनके ऊपर ये रबड़ वाला वाइशर है, जो कि एक एक वाइशर सभी फास्टनर पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने चारों फास्टनर पर एक एक रबड़ का वाइशर लगा दिया है, और अब हम इस पर लाइटिंग अरेस्टर को लगा लेते हैं, जो कि चारों फास्टनर में हमें चारों होल पर इस तरह से लाइटिंग अरेस्टर को लगा देना है, फिक्स कर देना है, और उसके बाद हम इन पर चारों फास्टनर के ऊपर बेस प्लेट पर एक एक रबड़ का वाइशर लगा लेते हैं, और रबड़ का वाइशर लगाने के बाद हम इन पर नटों को लगा लेते हैं, जो कि चारों फास्टनर की नटें हैं, इन नटों को फास्टनर पर फिक्स कर लेते हैं, और इन पर फास्टनर की नट लगाने के बाद हम इन पर एक एक नट जीआई की लगा लेते हैं, जिससे कि यह कभी हिलेगा नहीं, मजबूती रहेगी, और उसके बाद हम इनको पाने या फिर प्लायर की मदद से टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा लाइटिंग अरेस्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है, कंप्लीट फिटिंग हो गया है, और अब हमें करनी है अर्थिंग। तो अब हम अर्थिंग कर लेते हैं। तो अर्थिंग करने के लिए हम यहाँ पर अर्थिंग रोड को ठोक रहे हैं,
जमीन में थोड़ा सा खड्डा करके, और आप इसमें बड़ा खड्डा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक रोड को तो ठोक दिया है, और इस दूसरी रोड को भी ठोक देते हैं, जो कि इसमें एक अर्थिंग की रोड है जो कि लाइटिंग अरेस्टर के लिए रहेगी, और दूसरी अर्थिंग रोड है जो कि सोलर पैनल के अर्थिंग के लिए रहेगी। और यदि आप भी इसी तरह से अर्थिंग कर रहे हैं तो अर्थिंग ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर अधिकतर नमी बनी रहती है, और जहाँ पर हम अर्थिंग कर रहे हैं वहाँ पर लगभग पूरे साल भर नमी बनी रहती है जमीन में। और अब हम इस खड्डे में केमिकल डालने वाले हैं, जिसमें कि यह इस तरह का केमिकल है, एडवांस ग्राउंड इनहेंसिंग कंपाउंड टाइप का यह पाउडर है, जो कि यह 15 किलो का केमिकल पाउडर है। तो हम यहाँ पर डालने वाले हैं 10 किलो का केमिकल पाउडर, जिसमें कि यहाँ पर दो अर्थिंग है, तो दोनों अर्थिंग के लिए केमिकल पाउडर डाल रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पर एक एक फीट का खड्डा खोद रखा है। तो इसमें थोड़ा सा हम केमिकल पाउडर डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, और फिर हम दोबारा से केमिकल पाउडर डालेंगे, और फिर ऊपर मिट्टी डालकर एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अर्थिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्थिंग कंप्लीट हो गया है, और लाइटिंग अरेस्टर भी कंप्लीट फिटिंग हो गया है। और अब हमें वायर कनेक्ट करना है, जो कि लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग से कनेक्ट करना है। और इसमें हम वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और GI की स्ट्रिप भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि यदि हम GI स्ट्रिप लगा रहे हैं तो GI स्ट्रिप हमें दीवार से दूर ही रखना है, दीवार के बिल्कुल भी टच में नहीं रखना है। और यदि हम वायर यूज कर रहे हैं तो वायर हम इंसुलेशन वाला वायर यूज कर सकते हैं, और इसमें हमें हेवी वायर का ही यूज़ करना है, जो कि हम 16 square mm का वायर का यूज़ कर सकते हैं कॉपर में। और अभी हम यहाँ पर जो वायर लगा रहे हैं 12 square mm का वायर है, जो कि एल्यूमिनियम का है, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर लगवाने वालों ने यही कहा कि आप 12 square mm का वायर ही लगा लो, लेकिन यदि आप लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे हैं तो उसमें आप कम से कम हेवी वायर का ही यूज़ करें, 16 square mm का वायर का ही यूज़ करें। तो अभी हम यहाँ पर वायर के दोनों सिरों पर लक लगाना है, जो कि ये दोनों लक है और नट बोल्ट है। तो पहले हम ऊपरी वाले सिरे पर लक लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक सिरे पर तो वायर को छीलकर लक लगा दिया है। तो इस तरह से हम वायर के एक सिरे को लाइटिंग अरेस्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि लाइटिंग अरेस्टर की बेस प्लेट के एक होल से इस तरह से हम कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि हमने लाइटिंग अरेस्टर से ही कनेक्ट करना है, GI के पाइप से कनेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से हम कनेक्ट करके पाने या फिर प्लायर की सहायता से टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमें नट और बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है, लूज नहीं रखना है। और यह वायर का दूसरा सिरा है, जो कि अर्थिंग से कनेक्ट होगा, तो हम इस सिरे पर भी लक लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लक लगा दिया है वायर को छीलकर, लक को अच्छी तरह से प्लायर से दबाकर ही लगाना है। और यह लक है जो कि 16 square mm का लक है। और अब हमें वायर के दूसरे सिरे को ले जाना है अर्थिंग की तरफ। तो इस तरह से हम वायर को ले जाते हैं। तो इस तरह से वायर को यहाँ से होते हुए यहाँ से नीचे अर्थिंग की तरफ पहुँचा दिया है। तो अब हम यहाँ पर अर्थिंग में वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें इस तरह से लगाना है। तो मैंने यहाँ पर लक को कनेक्ट कर दिया है कम्प्लीटली, और इसे हम प्लायर से टाइट कर लेते हैं, और इसे हमें अच्छी तरह से ही टाइट करना है, लूज नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो इस तरह से इसमें हम लाइटिंग अरेस्टर से अर्थिंग कनेक्ट हो चुका है, और इसमें जो ये दूसरा अर्थिंग है इसमें हमें सोलर पैनल से अर्थिंग कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, इस तरह से लाइटिंग अरेस्टर कम्प्लीट फिटिंग हो चुका है अर्थिंग के साथ में, और इस तरह से आप खुद भी लाइटिंग अरेस्टर फिटिंग कर सकते हैं, और आप इसमें वायर भी लगा सकते हैं और GI स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।